हेलो गाइस, मैकेनिक राइडर 786 में आपका स्वागत है। देख सकते हैं मेरे पास बेनेली निंजा 300 आई है, जो 2023 का मॉडल है। इस गाड़ी में हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसके कारण अभी हमको इसका कूलेंट निकाल के चेक कर रहे हैं कि कूलेंट में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। और वैसे कूलेंट भी चेंज करना था इसका, तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे खोलना रहता है। जैसे यहाँ पर एक 5 नंबर की एलिंकी रहती है, वो एलिंकी खोलना है हमें। और यहाँ पे 2 4 नंबर की, पहले ये फाइबर निकालेंगे, नहीं तो कूलेंट हम निकालते हैं ना तो पूरा साइलेंसर के ऊपर जाता है, जो फिर बाद में गर्म होने के बाद उसमें से इस जलने जैसा स्मेल आता है। तो ये 5 mm की एलिंकी एक मैंने खोला यहाँ पर, जो एक डब्बे में रखता हूँ। और 4 नंबर की यहाँ पर है, दो ये फाइबर पहले हम निकालेंगे, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं कि इसका कूलेंट कैसे है और कूलेंट निकालते हैं। तो जैसे तीनों एलिंकी बोल्ट हमने निकाल दिया है, अब ये फाइबर निकाला है मैंने। जैसे यहाँ पर खाली इसके 3 लॉक रहते हैं, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पे सेंटर पे एक स्क्रू रहता है। अब ये पूरा निकल गया है, तो यहाँ पे एक 8 नंबर का बोल्ट रहता है, जो हम उसे खोलेंगे और इसका कूलेंट जो है वो पूरा निकालेंगे। तो पहले मैं कूलेंट निकालता हूँ, उसके बाद में फिर आगे का आपको दिखाता हूँ कि उस तरफ में कूलेंट डालने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है। और अभी हमारी गाड़ी थोड़ा गर्म है, तो इसकी वजह से जो कूलेंट एकदम बहुत गर्म रहता है, तो जोर से प्रेशर आएगा उसमें से। तो ये कूलेंट इसके अंदर है, जो एकदम पानी जैसा हो गया है, जल गया है एकदम से, देख सकते हैं। और अभी हम जो इसमें कूलेंट डालेंगे वो कैस्ट्रोल हैवी ड्यूटी कूलेंट हमने मंगाया है, जो अभी के सबसे बेस्ट यही आता है। और ये कुछ 525 रुपये इसकी MRP है, जो हमारे लिए 500 रुपये में आता है। और बाकी मोटुल का आता है, तो मोटुल का हमें मिला नहीं। मोटुल का 225 रुपये का आता है, जो उसमें कूलेंट वाटर मिक्स रहता है, इसमें वाटर मिक्स नहीं रहता है। तो मैं अभी आगे का दिखाता हूँ आपको। तो जैसे अभी तक जो कूलेंट निकल रहा था वो एयर बनाया हुआ था, इसके कारण वो स्लो स्लो गिर रहा था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कूलेंट का पूरा कलर भी चेंज हो चुका है और कूलेंट भी शायद कम निकला इसके अंदर। और हम वीडियो में बने रहे, आपको लास्ट तक हम दिखाते हैं। तो अभी हम कूलेंट डालने के लिए उस तरफ का फाइबर निकालते हैं, आप वीडियो में बने रहें। तो जैसे यहाँ पर 3 लॉक फाइबर के अंदर रहते हैं, और एक यहाँ पे एक लंकी यहाँ पर रहती है और एक लंकी बोल्ट यहाँ पर रहता है। तो ये सब हमने निकाल दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इस फाइबर को निकालने के लिए जैसे 5 mm की एक लंकी लगती है हमें, ये फाइबर निकालने के लिए हमें यहाँ पर 5 mm की एक लंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। और ये फाइबर भी हमारा निकल जाता है, इसे हम यहाँ पर नीचे रख देते हैं। और एक 8 mm का माना लगता है, जिसमें फाइबर का बोल्ट यहाँ पर भी है, जो ये निकालने के बाद में ये फाइबर पूरा निकलेगा और फिर हम कूलेंट का जो रेडिएटर है वो रेडिएटर और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर टैंक है वो खोलेंगे और आपको वीडियो में दिखाएंगे। सब कुछ निकलने के बाद में यहाँ देख सकते हैं, एक 10 का बॉक्स लगेगा। ये 10 का बॉक्स खोलने के बाद में ये फाइबर एकदम इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे एक क्लिप भी है, मैंने आपको दिखाता हूँ। दोस्तों भाई, जैसे ये देख सकते हैं रेडिएटर टैंक का जो ढक्कन खोला हमने, इसके अंदर बहुत सारा रेस्ट लगा है, जो कूलेंट खराब होने की वजह से वो जो जंग लगता है टैंक के ढक्कन पे, ये निकला है। क्लीन करेंगे और फिर कूलेंट डालेंगे। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाकी भी है, जो कूलेंट सेव करके रखता है, तो हम उसका भी कूलेंट निकालेंगे, उसको भी पूरा क्लीन करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारा रेस्ट लगा हुआ है उसके अंदर, तो अभी ये बिस्लेरी का पानी है, जो हम इसके अंदर डाल के और उसको क्लीन करेंगे पूरा अंदर से वहाँ तक।
उस तरफ दिखाओ थोड़ी, कितना कचरा निकल रहा है। जाओ गाड़ी वहाँ पे देख सकते हैं कैसा रेड रेड करके पूरा कचरा निकल रहा है। वो क्लीन अगर अच्छे से हो जाएगा प्रॉपर तो फिर उसके बाद में नया कूलेंट डालेंगे, फिर हमारी गाड़ी जो है, गाड़ी का जो भी हीटिंग प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। लीटर बिस्लरी का पानी डाला है, अब जाके हमारा जो अंदर से कचरा है पूरा साफ हो गया है और अभी देख सकते हो आप तो पानी पूरा एकदम क्लीन आने लगा है। तो अब हम इसमें नया कूलर डालेंगे और सब प्रॉपर फिटिंग करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, हम आपको दिखाते हैं। तो वहाँ से हम लोग कूलर डाला है, अभी जो एयर रहता है ताकि हम लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ से कूलर डालने के बाद अभी नहीं आया, तो ये कूलर जब यहाँ से गिरना चालू होगा तो हम ये बोल्ड लगाएंगे इसके अंदर ताकि जो एयर रहता है और पानी, अभी सब देख सकते हो आप पानी निकल रहा है और अब देख सकते हो कूलेंट आ गया है। तो अब हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। चलो बस रुक। तो सो गाइस, जैसे देख सकते हैं ये कैस्ट्रोल का हैवी ड्यूटी कूलेंट जो बहुत ही बेस्ट और अभी तक इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है सब में। तो अभी हम लोग ने पिछली वीडियो में देखे रहेंगे आपने निंजा बेनेली 600 में डाला था और अभी ये निंजा 300 में भाई डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डालते हैं और फिर गाड़ी का क्या है, हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या वो देखते हैं। और वो लिखा रहता है वहाँ पे लेवल में आएगा तो बताओ ना। Thank you.
है, जैसे कि हमारा कूलेंट अब फुल हो चुका है। ये गाड़ी हमें रेस इसलिए करना पड़ता है, कभी अगर एयर बना लेता है तो थोड़ा सा कूलेंट जाता है और पूरा फुल हो जाता है, इसलिए गाड़ी चालू करना पड़ता है। जब हम चालू करते हैं ना तो जो कूलेंट पंप है वो काम करता है, तो कूलेंट को अंदर की तरफ खींचता है, जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर बॉइल वॉइल कर रहा है, तो अंदर तरफ खींचता है, दूसरा बाहर की तरफ फेंकता है, तो इसलिए हमें गाड़ी चालू करके ये चेक करना पड़ता है। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और फिर गाड़ी हीट फैन चालू होने का वेट करेंगे, फैन चालू होने के बाद में फिर हम इसे कम्प्लीटली फिटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये कूलेंट हमने सब प्रॉपर से कूलेंट डाल दिया है, और अब यहाँ पे जो 10 का बोल्ट था ये हम लगा के इसे फिटिंग करेंगे। एक्चुअली रियल में देखा जाए तो ये पूरा बॉडी निकाल के करना पड़ता है, अभी हमारे पास भी टाइम नहीं है और भाई के पास भी टाइम इतना नहीं है कि पूरा खोल के निकाल के लगाएं। तो हमारे पास एक बड़ी कुप्पी थी, तो इस कुप्पी की मदद से हमने शॉर्टकट में कूलेंट रिफिल कर दिया इसके अंदर, अपनी बॉडी फिटिंग करेंगे और फिर चेक करेंगे चालू करके कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। यहाँ रहता है और एक क्लिप रहती है जो प्लास्टिक फाइबर की रहती है, वो यहाँ पे डाल के पुश करना रहता है, और ये अब हमारा बड़ा फाइबर जो है ये काला वाला यहाँ पर रहता है, इसमें कूलेंट लगा था इसकी वजह से हमने ऐसे साफ किया है, और ये जाके यहाँ पर ऐसा नीचे की तरफ